Hello, all my dear students. Welcome back to Prudence Coaching. Students, today in this video, we are going to start with the chapter Addition 1 to 19. आज ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे चैप्टर नंबर 5 एडिशन 1 to 19 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. मतलब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम लोगों को क्या क्या समझ में आएगा. ऐड टू वन डिजिट नंबर, दो एक डिजिट का नंबर कैसे ऐड करते हैं वो सीखेंगे. ऐड अ टू डिजिट नंबर टू अ वन डिजिट नंबर विद द सम नॉट एक्सीडिंग 20. हम लोग एक दो डिजिट का नंबर के साथ एक एक डिजिट का नंबर ऐड करना कैसे है वो सीखेंगे, पर ये सीखेंगे कि वो 20 से अधिक ना आए. अप्लाई द स्किल ऑफ एडिंग नंबर्स टू सॉल्व स्टोरी सम्स. हम लोग इस एडिशन को स्टोरी सम्स में कैसे अप्लाई करते हैं वो भी सीखेंगे. चलो तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दिया गया है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 स्पून्स है और यहाँ पर 8 स्पून्स है. हम लोग 4 और 8 अगर एक साथ लाएंगे तो हम लोगों को 12 स्पून मिलेगा, जो आप घर में करके देख सकते हो. अब चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1. लेट स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 1. ऐड बाय मेकिंग 10. हम 10 करके कैसे ऐड कर सकते हैं ये सीखेंगे यहाँ पर. तो यहाँ पर देखें कितने हैं यहाँ पर 5, 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो यहाँ पर 5 मार्बल्स है, यहाँ पर 6 मार्बल्स है. मेक क्या क्या मेक कर रहे हैं यहाँ पर, अगर इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा. 1, 10 and 1, 1. हाउ यू गेटिंग, यहाँ पर से और यहाँ पर से इन दोनों को जोड़कर हम लोगों को 10 बनाना है. तो 10 बन गया यहाँ पर, 10 मार्बल हम लोगों ने ले लिया. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो 10 मार्बल्स लेने के बाद हम लोगों के पास एक और है, एक बचा हुआ है. तो 1, 10 कितने 10 बने, 1, 10 बना और एक 1 मतलब एक बचा हुआ है. तो हम लोग लिख सकते हैं 1, 10 and 1, 1, जिसका मतलब ये है कि हम 5 + 6 करेंगे तो मेक का मतलब क्या है, इक्वल टू. तो हम लोगों को 11. 1, 10 मतलब क्या है, 10 में 1 है और 1s में यहाँ पर 1 है. तो 1 और 1 हम लोग लिखेंगे तो 11 बन जाएगा. तो यहाँ पर 10 + 1 11 मार्बल्स हो गया. तो ये समझ में आया तो हम लोग बाद के सब कुछ इजीली कर सकते हैं. तो चलो करते हैं नेक्स्ट नंबर बी. यहाँ पर देखो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है. सो 7 एंड इसमें कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6. हियर वी हैव 6. तो 7 एंड 6 अब लोगों को क्या मिल रहा है, पहले आपको 10 करना है. तो 10 करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो 10 बन गया, इतने तक क्या हो गया, 10 ठो मार्बल्स हम लोगों ने बना लिया है जो यहाँ पर लिखेंगे. और 3 अभी भी है तो यहाँ पर क्या होगा, 1, 10 और 3 मतलब 3 बचा हुआ है. सो 3 1s. तो इसमें हम लिख सकते हैं कि 7 में 6 जोड़ेंगे. एंड का मतलब यहाँ पर क्या है, प्लस करना. तो 7 + 6 मेक का मतलब क्या है, क्या मिलेगा. तो जो हम लोग इक्वल टू साइन यूज करेंगे मेक के, तो मेक जहाँ पर मिलेगा हम लोग इक्वल टू साइन लिखेंगे, क्योंकि मेक मतलब इक्वल टू है. तो हम लोगों को मिल रहा है क्या, 1, 10 मतलब 10s में 1 और हम लोगों का 1s में 3 दैट इज 13. सो हम लोगों का आंसर यहाँ पर 13 हो गया. चलो अब नंबर सी करते हैं. तो यहाँ पर देखो 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. सो 8
एंड 1, 2, 3 सो 8 एंड 3 तो हम लोगों को 10 बनाना है तो बना लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 10 तो 10 के बाद क्या है एक अभी भी बचा हुआ है सो 10 बना लिया और एक बचा हुआ है सो 10 में कितने 10 बन गया 1, 10 क्योंकि 1 ही 10 बना हुआ है और एक और अभी भी बचा हुआ है तो हम लोग लिख सकते हैं कि 8 में 3 जोड़ेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा 10s और 1s के मतलब क्या है 10 में 1 है और 1s में भी यहाँ पर 1 है तो 11 8 में हम लोग 3 जोड़ेंगे तो 11 मिल जाएगा अब ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ पर 8 हो गया 9, 10, 11 तो टोटल 11 हो जाएगा पर यहाँ पर हम लोगों को बताया गया है कि टेंस करके करना है तो ऐसे करेंगे नाउ नंबर डी स्टार्ट करते हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 मार्बल्स है एंड कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 9 है सो 5 एंड 9 कितने हो जाते हैं हम लोगों को ऐड करना है उसके पहले क्या करना है 10 ठो मार्बल्स को अलग रखना है सो 1, 2, 3, 4, 5 इसमें तो 5 हो गया फिर 6, 7, 8, 9, 10 तो यहाँ पर 10 हो गया ऐसे अभी भी कितने बचा हुआ है 1, 2, 3, 4 सो 1, 10 हो गया और 4 1s मतलब अभी भी 4 अलग से बचा हुआ है तो 1, 10, 4, 1 मतलब यहाँ पर 1 है पहले 1 लिख दो यहाँ पर 4 है सो 14 हो जाएगा आंसर तो 5 प्लस 9 हम लोगों को 14 मिल जाएगा अब चलो नंबर ई कर लेते हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वी हैव 10 ओवर हियर 1, 2, 3, 4, 5 सो 10 एंड 5 हम लोगों को मिलाना है तो कितने मिलेगा तो 10 तो हम लोगों को अलग से रखना है और यहाँ पर तो 10 ही है तो 10 हम लोगों ने अलग से रख दिया मतलब 1, 10 हम लोगों को मिल गया मतलब 1, 10 मिल गया और यहाँ पर क्या है और 5 है मतलब जो 5 है वो अलग से रखना है 5 1s सो 1, 10 एंड 5 1s सो हम लोगों को 1 यहाँ पर है और यहाँ पर 5 है सो 15 मिल जाएगा सो 10 में 5 जोड़ने के बाद हम लोगों को कितने मिलेगा 15 यहाँ पर 10 है सो 10, 11, 12, 13, 14 और 15 हो गया ऐसे करना है फिर नंबर एफ देख लेते हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सो 7 एंड इसमें क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सो 7 एंड 10 सो 10 तो अलग से रखना है हम लोगों को यहाँ पर से 10 अलग से रख लिया और 7 और बचा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मतलब 1, 10 एक 10 हो गया और 7 1s और 7 मार्बल्स अभी भी है सो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 हम लोगों को 17 मिल गया यहाँ पर सो 10s में क्या है 1 और 1s में क्या है 7 सो 17 हो गया सो 7 में 10 जोड़ने पर हम लोगों को 17 मिल जाएगा तो आई होप ये जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 1 अब लोगों का पूरा ही क्लियर है तो चलो अब एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करते हैं एडिंग बाय ड्रॉइंग डॉट्स हम लोग डॉट्स ड्रॉ करके यहाँ पर सॉल्व करेंगे कैसे करेंगे ए देख लेते हैं यहाँ पर कितने हैं 6 है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्या हुआ डॉट्स हम लोगों ने बना लिया है प्लस 8 6 में क्या जोड़ना है 8 सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सो 6 में क्या जोड़ना है 8 तो क्या मिलेगा कैसे करेंगे हम लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तो हम लोगों को यहाँ पर 14 मिल गया अब ऐसे भी कर सकते हैं 10 को अलग रख लो और कितने 1s है वो अलग करके रख लो फिर ऐड कर देना तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हम लोगों ने
10 को अलग रख लिया है और हम लोगों के पास और 4 बचा हुआ है, मतलब वंस में कितने हैं 4 है और टेंस में क्या है 1 है, 14। ऐसे भी अब लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लो, यहाँ पर 7 प्लस क्या है 9 है, सो 7 डॉट्स हम लोगों ने कर ली है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, और उसमें क्या जोड़ना है 9, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर एक मेथड क्या है, अब लोग 10 को अलग से रख लो और कितने बचा हुआ है वो अलग से रख लो। एक मेथड है वो करके देख लेते हैं, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो 10 हो गया यहाँ पर। फिर अब देखो कि टेंस में 1 हो गया, क्योंकि 1 10 हो गया, एक ही 10 मिला है। उसके बाद अभी भी 1 2 3 4 5 6 6 बचा हुआ है, मतलब वंस में अभी भी 6 है और टेंस में एक ही टेंस है, मतलब हम लोगों का आंसर 16 हो जाएगा। ये एक मेथड है। और एक मेथड क्या है, हम लोग काउंट करते हैं। तो यहाँ पर कितना हुआ 7 हो गया, 7 के बाद काउंट करना 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो यहाँ पर भी आप लोगों को 16 मिल जाएगा। जो भी मेथड आप लोगों को इजी लगेगा वो ही अब लोग चूज करेंगे, पर डॉट्स बना कर करने को बोला है तो डॉट्स तो हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या है 5, सो 1 2 3 4 5, और यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 5 6 7। तो एक मेथड क्या है, हम लोग क्या कर सकते हैं 10 का एक ग्रुप बना लेंगे और जो अलग से होगा वो वंस में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या जानते हैं कि 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, 5 और 5 को जोड़ने पर हम लोगों को 10 मिल जाएगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर ए ऐड करने के बाद 10 मिल जा रहा है और यहाँ पर 2 अभी भी बचा हुआ है, मतलब 1 10 और 2 1s 12 हो जाएगा। एक मेथड है। और एक मेथड क्या है, यहाँ पर क्या है 5 है डॉट्स, यहाँ पर 5 है, सो 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12, सो 12 मिल जा रहा है, ये भी कर सकते हैं। चलो नंबर डी देख लेते हैं, यहाँ पर 8 है, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, और यहाँ पर 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर तो 8 है, मतलब यहाँ पर 8 तो हो गया, फिर 9 10 11 12 13 14 15, तो हम लोगों का आंसर क्या हो गया 15 हो गया। ऐसे भी अब लोग कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, अब लोग 10 का ग्रुप बना सकते हैं, फिर जो लेफ्ट ओवर होगा वो वंस में आ जाएगा। कैसे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 का ग्रुप हो गया, मतलब 10 का ग्रुप हो गया, और यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 अभी भी बचा हुआ है, तो 5 हो जाएगा 15, आंसर 15 हो जाएगा। ये भी एक मेथड है, तो ऐसे कर सकते हैं। सो यहाँ पर तो 10 है, मतलब टेंस में क्या है 1 है, मतलब एक तो 10 हो गया और वंस में क्या है 5 है, सो 15 हो जाएगा। एक अब देखकर भी कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का ग्रुप हो गया, यहाँ पर 5 है, मतलब 1 2 3 4 5, सो यहाँ पर तो 10 हो गया, 10 के बाद 11 12 13 14 15 15 आंसर हो जाएगा। फिर चलो F देख लेते हैं, 9 प्लस 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर भी 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम क्या करेंगे, एक अब कर सकते हैं कि यहाँ पर तो 9 हो गया, 9 के बाद गिनना है 10 11 12 13 14 15 16 17 18, हम लोगों का आंसर 18 हो जाएगा। तो एक कर सकते हो, और एक क्या कर सकते हो, यहाँ पर 9 है, सो 9 और 1, मतलब 10 का एक ग्रुप बना लिया, मतलब टेंस में क्या हो गया 1, और कितने वंस है काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, सो ऐसे 18 हो जाएगा।
जो आपको इजी लगे वही मेथड चूज करना। तो यहाँ पर क्या है, टेंस है, मतलब टेन में क्या है, वन ग्रुप हो गया और वंस में अभी भी फोर बचा हुआ है तो 14 आंसर हो जाएगा। तो ग्रुप बना के कैसे कर सकते हैं, 1 2 3 4 डॉट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट्स हो गया। तो यहाँ पर तो 10 हो गया, 10 के बाद 11 12 13 14, सो 14 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर 4 के बाद काउंट करते हैं, मतलब 4 में 10 जोड़ेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। मतलब यहाँ पर 4 है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ज़्यादा बार गिनना पड़ रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइम बचाने के लिए हम लोग ज़्यादा जो है उसको पहले देखेंगे कि यहाँ पर 10 है, 10 में क्या स्मॉल नंबर को जोड़ना है, 1 2 3 4, इट विल बी ईजियर। ओके, चलो अब देखते हैं कि एज को कैसे करें। यहाँ पर 12 है तो 12 डॉट्स बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हो गया। 12 में कितने जोड़ना है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर तो 12 है हम लोग को पता है, सो 12 के बाद 12 13 14 15 16 17, हम लोगों का आंसर 17 हो जाएगा। अब 10 10 का ग्रुप बनाकर भी कर सकते हैं, पर आई थिंक इफ़ यू फॉलो दिस मेथड, दैट इज फर्स्ट यू विल सी हाउ मच इज गिवन एंड नेक्स्ट यू नीड टू ऐड फ्रॉम द नेक्स्ट वन। सो 12 ओवर हियर, 12 13 14 15 16 17, इट विल बी ईजियर आई थिंक, सो यू कैन फॉलो दिस मेथड। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, एडिंग बाय काउंटिंग फॉरवर्ड। काउंटिंग फॉरवर्ड कर करके हम लोगों को ऐड करना है, तो देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग। ऐसे देखो कि हम लोगों का यहाँ पर क्या है, तो हम लोगों का क्या है देख सकते हैं कि 7 में 6 जोड़ना है, तो 7 यहाँ पर नंबर लाइन दिया हुआ है, तो यहाँ पर 7 है, 7 के बाद कितने बार हमको जम करना है, 6 बार, क्योंकि 7 में हम लोगों को 6 ऐड करना है, मतलब 7 के बाद हम लोगों को 6 बार काउंट करना है, तभी हम लोग ऐड करेंगे। तो 7 के बाद एक बार जाएंगे तो 8 में पहुंचेंगे, फिर एक बार जाएंगे तो 2 में, फिर एक बार जंप करेंगे तो 10 में, फिर एक बार जाएंगे तो 10 के बाद 11 में, फिर 11 के बाद 12 में, 12 के बाद 13 में, तो 6 टाइम्स जंप करने के बाद हम लोग 13 में पहुंचे। सो 6 में 7 जोड़ने पर या 7 में 6 जोड़ने पर हम लोगों को 13 मिलेगा। ये भी देख सकते हैं कि 11 के बाद क्या है, 8 बार जाना है, सो 11 से स्टार्ट करो, बड़ा नंबर से स्टार्ट करेंगे तो जल्दी जल्दी आंसर मिल जाएगा। सो 11 से स्टार्ट करते हैं और 8 बार जंप करते हैं, सो 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स 7 टाइम 8 टाइम्स, सो 19 में पहुंच गए हम लोग 8 बार जंप करने पर, सो 19 आंसर हो जाएगा। तो चलो यहाँ पर ऐड करते हैं, काउंटिंग फॉरवर्ड करके हम लोग दिमाग में करेंगे यहाँ। तो चलो हम लोग कैसे करेंगे देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, बड़ा नंबर क्या है, 7, जो हम लोगों को दिमाग में रखना है। 7 में कितने जोड़ने हैं, 1 2 3 4 5, तो ऐसे 5 हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर 7 है, 7 के बाद हम लोगों को 5 गिनना है, सो 7 के बाद 8 9 10 11 12 12 मिल जाएगा हम लोगों को यहाँ पर। फिर देखो 4 में क्या जोड़ना है, 6, हम लोग यहाँ पर 6 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि आंसर जल्दी मिलेगा, क्योंकि 6 बड़ा नंबर है। सो 6 में क्या जोड़ना है, 4, तो 1 2 3 4, सो 6 के बाद क्या आता है, 7 8 9 10, तो हम लोगों का आंसर 10 हो जाएगा यहाँ पर। फिर देखो 7 प्लस 6, सो 7 बड़ा है, 7 से स्टार्ट करते हैं, कितने जोड़ना है, 6, सो 1 2 3 4 5 6, सो 7 के बाद क्या है, 8 9 10 11 12 13, हम लोगों को 13 मिल जाएगा। अब ए फिंगर्स में भी आप ऐड करके कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, 8 में जोड़ना है 4, सो 8 बड़ा नंबर है, 8 में 4, 1 2 3 4,
सो आफ्टर 8, 9, 10, 11, 12 सो 12 मिल जाएगा यहाँ पर। फिर चलो नंबर ई करते हैं, यहाँ पर 9 में क्या ऐड करना है, 4। 9 बड़ा नंबर है, सो 9 के बाद हम लोग को 1, 2, 3, 4 तक जाना है। तो यहाँ पर 9, 10, 11, 12, 13 हम लोग का आंसर 13 मिल जाएगा। फिर चलो यहाँ पर 7 + 7 है, सो 7 से स्टार्ट करते हैं। 7 बार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सो आफ्टर 7 वी हैव 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तो 14 आंसर हो जाएगा। फिर नंबर जी में क्या है, 6 + 5 सो 6 बड़ा है, उसमें क्या जोड़ना है, 1, 2, 3, 4, 5 सो 6 में क्या जोड़ना है, 5 सो 6, 7, 8, 9, 10, 11 आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर 8 में क्या जोड़ना है, 3, 8 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 8 बड़ा नंबर है, 1, 2, 3 जोड़ना है। सो आफ्टर 8 वी नीड टू काउंट 3 टाइम्स, सो 8, 9, 10, 11 सो 11 हो जाएगा आंसर यहाँ पर। फिर चलो नंबर आई कर लेते हैं, यहाँ पर 7 + 4 है, सो 7 से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4 सो आफ्टर 7, 8, 9, 10, 11 आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 6 + 6 है, सो 6 में 1, 2, 3, 4, 5, 6 जोड़ना है, तो 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12 आंसर हो जाएगा। चलो फिर नंबर के क्या है, 8 में 5 जोड़ना है, 1, 2, 3, 4, 5 सो आफ्टर 8, 9, 10, 11, 12, 13 आंसर हो जाएगा। फिर चलो यहाँ पर 9 में क्या जोड़ना है, 6 तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 आफ्टर 9 वी हैव 10, 11, 12, 13, 14, 15 दो डिजिट मिल रहा है, मतलब 15 सो 5 यहाँ पर लिखेंगे और 1 यहाँ पर, सो 15 ऐसे लिखेंगे हम लोग। चलो नंबर एम कर लेते हैं, 9 + 9 तो 9 में क्या जोड़ना है, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सो 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 सो 18 आंसर हो जाएगा। चलो फिर नंबर एन कर लेते हैं, 8 में क्या जोड़ना है, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर ओ, 8 में क्या जोड़ना है, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सो आफ्टर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 सो 15 आंसर हो जाएगा। फिर चलो नंबर पी, यहाँ पर 9 में क्या जोड़ना है, 7 सो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 सो 16 हो जाएगा, मतलब 9 के बाद 7 टाइम्स काउंट करना है, सो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 आंसर हो जाएगा। नंबर क्यू देख लेते हैं, यहाँ पर 7 में क्या जोड़ना है, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सो 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13 आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो 9 + 4 सो 9 में 1, 2, 3, 4 सो 9, 10, 11, 12, 13 आंसर हो जाएगा। फिर नंबर एस, तो 8 में क्या जोड़ना है, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 आंसर हो जाएगा। फिर चलो नंबर टी देख लेते हैं, यहाँ पर 9 में क्या जोड़ना है, 8 सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सो 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 आंसर हो जाएगा। चलो फिर नंबर यू देख लेते हैं, यहाँ पर 9 में क्या जोड़ना है, 2 सो 9 में क्या जोड़ना है, 2, 1, 2, 9, 10, 11 सो आंसर 11 हो जाएगा। चलो फिर 9 में क्या जोड़ना है, 3, 1, 2, 3 सो 9 के बाद 10, 11, 12 आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है, 9 में क्या जोड़ना है, 5 सो 9 के बाद 1, 2, 3, 4, 5 सो 9 के बाद क्या है, 10, 11, 12, 13, 14, 14 आंसर हो जाएगा। मतलब 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा यहाँ पर, मतलब 1, और अभी भी 4 वंस बचा हुआ है तो 4 ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है, 9 में क्या जोड़ना है, 7 सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जोड़ना है सो 9 में 1
ऐड करेंगे तो क्या होगा, टेंस हो जाएगा, वन टेन हो जाएगा। और अभी भी कितने बचा हुआ है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, मतलब वंस में सिक्स, तो हम लोगों का आंसर सिक्सटीन हो जाएगा। और हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, नाइन में क्या जोड़ना है, सेवन, सो नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन, ऐसा सिक्सटीन मिल जाएगा। तो इसके बाद अब लोग देख सकते हैं कि एडिशन फैक्ट से जो हम लोग इसके बाद जो क्लास आएंगे उस क्लास में करेंगे। सो व्हाट यू नीड टू डू टुडे इज, आपको क्या करना है, आपको सारे जो सम्स आज क्लास में किया गया है वो सम्स प्रैक्टिस करना है। और अगर कोई डाउट होगा तो हम लोगों का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो अब लोग वहाँ पर ज्वाइन करके हम लोगों से बात कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू फाइंड द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो हेल्पफुल, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बाय बाय स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। कीप लर्निंग विद फन विद प्रूडेंस कोचिंग। बाय बाय स्टूडेंट्स।